हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटरनेट से स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिंपलीफिकेशन वाले सवाल को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे सवाल दिया गया है 2 के पावर q गुने 3 के पावर 4 गुने 4 बट्टा में 3 के पावर 2 गुने 32। तो फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, सरल कर देना है, यानी इतना बड़ा है इसको छोटा रूप में इसका आंसर ला देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ 2 की पावर कितना है, 3 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ते हुए लिखते चलेंगे। तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 कितने बार, 3 बार। 2 कितना बार, 3 बार लिख देंगे। इसके बाद 3 के पावर 4 यानी 3 को 4 बार लिखेंगे। कितना बार, 3 को 4 बार, 2, 3 और 4। इसके बाद 4 है यहाँ पे, सॉरी 3 रहेगा। तो ये और गुने 2 और गुने 2 और बट्टा में फ्रेंड्स क्या रहेगा, तो बट्टा में यहाँ जो है 3 के पावर 2 यानी 3 कितने बार, 2 बार। 32, 32 को हम लोग किस प्रकार तोड़ सकते हैं, तो 2 जो है 5 बार लिखा जाएगा, तो 32 हमारा आ जाएगा। 2 कितना बार, 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5 यानी 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 यानी कि ये हमारा सही है। अब काटते चलेंगे, 1, 2, 3 तो इसमें भी 3 पहले काट दिया जाए, 1, 2, 3। अब फ्रेंड्स यहाँ 2 बच रहा है, 1, 2 ऊपर भी 1, 2 यहाँ तक कट गया। अब 3 4 बार है और नीचे 3 कितना बार, 2 बार। तो 2 3 से 2 3 हमारा कट जाएगा, बचेगा 2 3। 2 3 का मतलब कितना होता है, 9। तो फ्रेंड्स, इतना बड़े सवाल को हम लोग इस रूप में क्या कर दिए, बना दिए, यानी इस रूप में हम लोग ला दिए। अगला क्वेश्चन है 25 के पावर 5 भागा 5 के पावर 2। तो फ्रेंड्स, 25 को पहले 5 के रूप में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है, जब भी यहाँ पे 20 जो है, बेस पावर को घात बोलते हैं और नीचे वाले को बेस बोलते हैं यानी आधार। तो बेस के ऊपर जो भी पावर हो उसको भाग में हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं, जब बेस समान हो तब। तो इस बेस को हम लोग समान कर सकते हैं, जब हम लोग यहाँ 25 को 5 × 5 के रूप में लिख के और पावर 5 दे देंगे, तो 25 के पावर फिर 5 हो जाएगा, भागा यहाँ पे कितना, 5 के पावर 2। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये हमारा 5 के पावर 2 इसको लिख सकते हैं अंदर वाले को, फिर यहाँ 5 है 5 भागा यहाँ 5 के पावर 2। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब भी इस प्रकार का सवाल हो, ऐसा दिया हो 5 के पावर कुछ भी घात हो, इसके बाद और घात हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी बेस हो उसको लिख देंगे और पावर को गुना कर देंगे। तो 5 × 2 = 10 यानी कि 10 हो जाएगा, भागा 5 के पावर 2। अब ये क्या हो गया फ्रेंड्स, तो अब ये हमारा और छोटा हो गया। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, बेस समान है दोनों में का समान, जब आधार समान हो तो पावर को भाग में घटा लेते हैं, भाग में क्या करते हैं, पावर को घटा लेते हैं। तो यहाँ 5 के पावर 10 - 2 पावर को घटा लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 के पावर कितना, तो 10 में से 2 = 8 यानी कि 5 के पावर 8। इसको गुणा कर देंगे या ऐसे भी छोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार का सवाल जब भी आपको मिले तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।